हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर ट्रेंड्स। गाइस, आज की वीडियो में आपको ये मरमेड ड्रेस दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी एंड बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में बन जाएगा। एंड जो मैंने इसमें मटेरियल यूज़ किया है गाइस, वो मैंने सरोजनी नगर से कर्टन्स का, मतलब वहाँ पे आपको 50 और 100 रुपए में कर्टन्स मिल जाएंगे, तो मैंने उसी का कपड़ा जो ख़रीद लिया था एंड उसमें मैंने ये बनाया हुआ है। एंड जो वाइट ट्रफल्स एंड ये सब लगे हुए हैं, ये मेरे पुराने ड्रेस के बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप जल्दी से ये ड्रेस रेडी कर सकते हैं बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही सस्ते में। ये मरमेड ड्रेस एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए एंड शेयर ज़रूर करिए मेरे इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर करना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। सो गाइस, ये मैंने कपड़ा लिया है, ये ब्लैक कपड़ा है एंड बहुत सॉफ्ट भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, जैसे कर्टन्स होते हैं आपने देखा हुआ तो वैसे ही है ये। एंड आप सेंटून का मटेरियल भी ले सकते हैं, तो मैं सेंटून का भी आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता सेंटून का कपड़ा। सो आप ये देख सकते हैं कपड़े का मैं मेज़रमेंट कैसे करने वाली हूँ, कैसे कटिंग करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से फोल्ड कर रखा है, ये फोल्डेड है कपड़ा एंड मैं इसी से अभी कटिंग करने वाली हूँ यहाँ पे। एंड आप ये देख सकते हैं गाइस, कपड़ा बहुत ही शाइनिंग मटेरियल का है एंड बिल्कुल भी लाइट नहीं है। एंड आप इसके अंदर अस्तर की भी लगा सकते हैं, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा लाइट है, झलक रहा है, तो आप इसके अंदर अस्तर भी लगा सकते हैं। मैंने अस्तर भी लगाया है ताकि कोई अनकम्फर्टेबल ना लगे उसको कैरी करने में। सो मैंने अस्तर की भी कटिंग ऐसी ही करी है जैसे आप मेन फैब्रिक की करेंगे। सो आप ये देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ गाइस। ये इसको मैंने सिंगल फोल्ड किया है बिकॉज हम यहाँ पे अभी मैं कुर्ती का कटिंग करने वाली हूँ। आपके पास कोई भी कुर्ती हो तो आप उसको रख के अच्छे से उसकी, आपको जो भी फिटिंग आती है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसको, आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं बट अभी मेरे को कटिंग करनी है इसलिए मैंने इतना ज़्यादा उसको नहीं किया है। तो ये मेरे पास वाइट कुर्ती है एंड गाइस ये मेरे को बहुत अच्छे से फिट आती है, तो मैं इसी की ही फिटिंग की कटिंग करने वाली हूँ बिकॉज मरमेड ड्रेस पूरी फिटेड है। एंड देन वो उसकी थाइस से थोड़ा लूज़ होने लग जाता ताकि रफल्स हो जाते तो मरमेड की लुक आता है। सो ऊपर से आपको फिटेड रखना है, तो ये जो आपको कुर्ती फिटेड है, जो आपके साइज़ की है पूरी फिटेड वाली, तो उसके नाप का आपको कट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी अच्छे से, तो आपको इसको पूरा अच्छे से करना है। एंड देन आपको थाइस तक इसका लेंथ रखना है, आप कितनी लेंथ है जितनी आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं। सो नीज तक आपको पूरा फिटेड रखना है, देन नीज से आपको रफल्स लगाने हैं या नेट लगा सकते हैं वॉल्यूम देने के लिए, एक फिश मरमेड ड्रेस की लुक देने के लिए। सो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे लाइनिंग कर दूँगी एंड देन मैं इसको कट कर दूँगी, तो बैक एंड फ्रंट दोनों की से कटिंग हो जाएगी। एंड जो नेक की कटिंग आप कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखा है, बस सिंगल सा बैक पे मैंने वी काइंड ऑफ में कट किया है एंड फ्रंट में मैंने सिर्फ जैसे आप ये कुर्ती में देखते हैं देख सकते हैं वैसे ही मैंने फ्रंट में कट किया है ड्रेस में। सो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे, मेरे पास पुराना गाउन का ड्रेस मतलब पड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी कटिंग करके यहाँ पे रफल्स लगा दिए हैं। अगर आपको रफल्स देखना है तो गाइज आप मेरे रफल्स सारी में, बहुत सारे मैंने रफल्स के मेथड्स बता चुकी हूँ आपको कि कैसे कटिंग करते हैं, तो आप वो रफल्स कट कर सकते हैं ऐसे ही लगा सकते हैं। एंड थोड़ा इसमें डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टोन्स लगा दिए हैं अच्छे से एंड इसको फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट कर दिया है। एंड देन सेम ये रफल है, आप ये देख सकते हैं, एंड आपको रफल की कटिंग करना मैंने सिखा दिया है, तो प्लीज़ चेक आउट माय वीडियो। एंड ये फ्लावर भी लगा हुआ था मेरे पुराने गाउन में, तो मैंने उसको निकाल लिया है एंड इसी को मैं आप इस पर लगाने वाली हूँ अच्छे से, इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पे फ्लावर लगाने वाली हूँ एंड जो ये रफल है इसको मैं फ्रंट पे लुक देने वाली हूँ एंड बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड आप देख सकते हैं गाइज, ऐसे आप बहुत ही क्रिएटिव अपना पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको उसको फेंकना नहीं है, आपको उसको कुछ न्यू लुक देना है। सो आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पे लगाने वाली हूँ एंड पहले मैं इसको पिन से अटैच कर दूँगी, देन मैं इसको स्टिच कर दूँगी थ्रेड से। सो रफल्स की गाइज मैंने 3-4 आपको मेथड्स बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेरे रफल्स आ रही हैं, रफल स्कर्ट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो उसमें ज़रूर चेकआउट करिए मेरा वीडियो। एंड
प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। मैंने बहुत ही जल्दी ये बना लिया है, इसमें कोई भी तामझाम नहीं लगा। मेरे पास जो पुराना पड़ा हुआ था तो मैंने उसका यूज़ किया है, एंड जो ये ब्लैक कपड़ा है वो भी मैंने बहुत सस्ते में खरीद लिया था सरोजनी नगर से, एंड 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा 9 इंच का कपड़ा, एंड 50 रुपये में आपको छोटा कपड़ा मिल जाएगा, छोटे इंच का कपड़ा। सो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं वहाँ से, एंड बहुत ही सस्ता पड़ता है गाइज़। आप उसको क्रिएट कर सकते हैं ब्लैक में, आपको और भी कलर और भी पैटर्न्स के वहाँ कर्टन्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कर्टन्स के मटेरियल फैब्रिक यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मार्केट, मैंने आपको सीलमपुर मार्केट बता चुकी हूँ, वहाँ पे आपको फैब्रिक्स बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। सो लुक आप देख सकते हैं गाइज, पीछे मैंने इस पर बो लगा दिया है, एंड बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है, एंड आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं स्टोन से, जैसे मैंने फ्रंट में इसको स्टोन से डेकोरेट किया है। लेस लगा सकते हैं, रफल्स और लगा सकते हैं इसमें, आपको जैसा लुक चाहिए। सो आप ये देख सकते हैं बैक पे गाइज, मैंने इसमें लेस लगा दिया, एंड देन बॉटम पे बो लगा दिया है, एंड फ्रंट में आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।